एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नए सफर पर हम चले इस बार सिक्किम की ओर। दिस इज़ गोइंग टू बी माय सेकंड सोलो ट्रिप। फर्स्ट वाला था वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रिप, जिसका लिंक, जिसका पूरा प्लेलिस्ट आपको ऊपर कार्ड्स पे मिल जाएगा। और अभी मैं कोलकाता से सिलीगुड़ी बस से जा रही हूँ और वहाँ से फिर मेरा सिक्किम का सफ़र शुरू होगा। स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन दिस अमेजिंग जर्नी। वेल वेल वेल, जिस सीरीज़ के लिए बहुत लोगों का इंतज़ार था वो फाइनली आ चुकी है, जो कि है सिक्किम की सीरीज़। और ये शानदार सफ़र मेरे लिए शुरू हुई थी कोलकाता टू सिलीगुड़ी एक A1 बस जर्नी के साथ। और उस बस जर्नी के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन और मेरी एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाली हूँ मैं इस वीडियो में, तो मेक श्योर यू स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ द व्लॉग। कोलकाता टू सिलीगुड़ी की ये बस रूट शुरू होती है स्प्लैनेट बस स्टैंड से। और ऐसे दो टाइप के बसेस चलती है, एक तो कॉमन गवर्नमेंट बसेस जिसमें प्राइस, फैसिलिटीज़, कंफर्ट सब कुछ कम होता है स्पेशली फॉर सच अ लॉन्ग रूट, और एक टाइप है वॉल्वो बसेस जिसमें मैं ट्रैवल की थी। ये रूट उन लोगों के लिए है जो सिक्किम या नॉर्थ बंगाल साइड कहीं पर भी जाना चाहते हैं। मेरे लिए ये बस रूट लेने की एक ही रीज़न थी कि मुझे ट्रेन की टिकट नहीं मिली थी, दुर्गा पूजा की टाइम थी, बहुत रश था। क्योंकि हमारे लिए सिलीगुड़ी या NGP जाने के लिए ट्रेन इज़ द फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि वो इकोनॉमिकल भी है और टाइम भी थोड़ा कम लगता है। तो एनीवेज, अब चलिए देखते हैं ये जर्नी कैसे A1 रही मेरे लिए। या जितने भी वॉल्वोज हैं, पोलोमी परिवहन, शामुली एंड अदर्स, सबकी बुकिंग रेड बस ऐप से तो होती है। और मैं ट्रैवल की थी पोलोमी परिवहन में, जिसकी बुकिंग प्लैनेट बस स्टैंड में काउंटर नंबर 9 से भी हो जाती है। तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ये ऊपर कुछ नंबर्स हैं जिसमें आप कॉल करके बुकिंग कर सकते हैं। सो एग्जैक्टली 6:30 बस तो छोड़ दी हमारी प्लैनेट से, एकदम ऑन टाइम है। मतलब पोलोमी परिवहन प्राइमो बस कैटेगरी में आती है, विच मीन्स ये सबसे ज़्यादा पंक्चुअल है, सेफ है, कंफर्टेबल है और बेस्ट इन क्लास सर्विसेज प्रोवाइड करती है। पोलोमी परिवहन के ही 2-3 वर्जन्स है, जैसे कि 2+2, 1+2, सीटर, स्लीपर, ऐसे करके। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ स्लीपर एंड सेमी स्लीपर, मतलब एक साइड में दो लोगों के लिए ऊपर और नीचे स्लीपर है और दूसरे साइड में सिंगल स्लीपर्स है ऊपर और नीचे सेमी स्लीपर है, मतलब रिक्लाइनर सीट्स हैं। और अब चलिए देखते हैं यह स्लीपर और सीटर्स में फैसिलिटीज या सर्विसेज कैसे मिलते हैं। यहाँ पर आई गॉट अ पिलो, अच्छा खासा, और ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट हियर एंड इट्स अ गुड स्पेस ओवर हियर, लाइक 6 फुट के ऊपर भी आदमी अच्छे से सो सकता है। एक्चुअली एक बैग रखा हुआ है मेरा वहाँ पे, इसके बाद भी आई हैव इनफ स्पेस टू स्लीप वेल एंड ऊपर हियर इज अ प्लग पॉइंट चार्जिंग वार्जिंग के लिए, ऊपर AC एडजस्ट करने के लिए विंडो है, अगर अभी तो ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं। बॉटल है अपना, उसको तो यहाँ पर डालने का अच्छा खासा बॉटल के लिए स्पेस है। यहाँ पर अगर छोटा मोटा बैग होता है तो यू कैन इजली कीप, पर ये वाला थोड़ा बड़ा है मेरा तो ये यहाँ पे नहीं होगा, तो आई जस्ट केप्ट इट हियर। वैसे भी स्पेस बहुत ही है यहाँ पर। आई थॉट इट वुड बी ईजी फॉर मी टू लीव माई सिटी ड्यूरिंग the peak hour of Durga Puja, but now it's little difficult to leave my city at this time on Saptami evening. Let's see, it's the first time ki main puja mein bahar kahi bahar ja rahi hu out of my city, so let's cherish what's in store for me. बस प्लैनेट से चलने पर कुछ आधा एक घंटा बाद कॉरिडोर के जो मेन लाइट्स हैं वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो कॉरिडोर में एक नाइट बल्ब भी जलती है बस, और अगर आपको लाइट चाहिए तो हर एक स्लीपर सीट के ऊपर एक पर्सनल लाइट होता है जिसको ऑन करके आप अपना काम कर सकते हैं या फिर रास्तों के मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छी बात और है कि स्लीपर होने के बावजूद आप कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्लीपर है मतलब हमेशा लेट के ही रहना पड़ेगा, या सीलिंग काफ़ी ऊपर है तो इजीली बैठ भी सकते हैं, आपका सर सीलिंग से टकराने वाला नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट दैट।
ये तो मेरे लिए सिंगल स्लीपर थी, और दूसरी तरफ जो डबल स्लीपर्स है उसमें भी सेम फैसिलिटीज़ है, जैसे कि बैग और वाटर बॉटल रैक्स, प्राइवेसी कर्टेन्स, प्लग पॉइंट्स, पर्सनल लाइट्स, सब पर सीट के अकॉर्डिंगली अरेंज्ड है। सो दीज सीट्स आर परफेक्ट फॉर फैमिलीज, कपल्स और फ्रेंड्स। एंड इन केस ऑफ रिक्लाइनर सीट्स या स्लीपर की तरह फैसिलिटीज तो नहीं है, बट द बेसिक फैसिलिटीज लाइक फूट रेस्ट एंड चार्जिंग पॉइंट्स वो मिल जाएंगे। ये बस रूट कोलकाता स्प्लैनेट से शुरू होके कृष्णनगर, मालदा, किशनगंज होके सिलीगुड़ी पहुंचती है। तेंजिंग नॉर्गे बस टर्मिनस सिलीगुड़ी इज द ड्रॉप ऑफ पॉइंट, और स्प्लैनेट से शुरू होके ये एयरपोर्ट मदमग्राम बारासात होके कृष्णनगर पहुंचती है विद टू रेस्ट स्टॉप्स, एक कृष्णनगर में डिनर के लिए और अर्ली मॉर्निंग सिलीगुड़ी के पास फ्रेशन अप होने के लिए। सो दीज आर ऑल द बोर्डिंग पॉइंट्स, यहाँ कहीं से भी आप बोर्ड कर सकते हैं, और बस दुर्गा पूजा के टाइम थी तो रंग बिरंगे लाइट्स, छोटे और बड़े पंडाल्स को देखते हुए मैं चली। दुर्गा पूजा में अपने शहर से दूर जाने का दुख भी था और एक नई जगह अकेले एक्सप्लोर करने का एक्साइटमेंट भी था। चल रही है, मतलब आई शुड से कि बिफोर टाइम ही चल रही है। 10:30 बजे यहाँ पे कृष्णनगर पे हॉल था, तो बिफोर 10:30 लाइक 10:15 या 20 में ही यहाँ पे पहुँच गए हम लोग। यहाँ पे कुछ देर डिनर एंड वॉशरूम एंड ऑल, जिसको जाना है खाना है इसके लिए टाइम दे देंगे। तो एक बार जस्ट इस बस का लुक देखिए, बाहर से देख के लग रहा है कि मैं कहीं घूमने तो जा ही रही हूँ, और स्पेशली कहीं पहाड़ पे जा रही हूँ, बिकॉज यू कैन सी द टिबेटन, कलरफुल टिबेटन फ्लैग्स ओवर हियर एंड ऊपर अ पिक्चर ऑफ हिमालयस। और ये होता है कृष्णनगर का सीन रात 10:30-11 बजे तक, क्योंकि सारे वॉल्वोज यहाँ पे डिनर के लिए रुकते हैं। पर जो चीज़ मुझे यहाँ पे अच्छी नहीं लगी वो है वॉशरूम्स, यूज़ तो करनी पड़ी फिर भी, पर वो पब्लिक वॉशरूम है, आप समझ ही सकते हैं। और जस्ट भीड़ देखिए यहाँ पे रोटी, राइस, सब्जी, दाल वगैरह मिल जाएंगे, पर यहाँ पे इतना भीड़ में मुझे खाना नहीं था। मेरे पास खाने के लिए थे ऑलरेडी, मैं लेके आई थी। यहाँ रसमलाई काफ़ी फेमस है, तो एक कुल्हड़ रसमलाई ले ली मैंने यहाँ से। और फिर क्या, वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट्स ऑफ ट्रैवलिंग इज़ हैविंग अ नाइट लॉन्ग जर्नी बाई बस, जिसका मौका हमेशा नहीं मिलती है। तो इस बार उसी का फुल ऑन मज़ा लेते हुए मैं लगाई एक बढ़िया सा नींद। सुबह आँख खोली तो मैंने खुद को खेतों के बीच में पाई, जहाँ दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली नज़र आ रहे थे। और ये देख के तो मेरे दिमाग अपने आप को आलिया भट्ट समझने लगी और चलाने लगी हाईवे के सीन्स, साथ ही साथ पटाखा गुड्डी वाला गाना भी। वाह जी वाह, मज़ा ही आ गया। We have come towards the end of the vlog, तो मैं इसकी अभी prices बता देती हूँ। मेरी single sleeper की price थी around 3,000 rupees, usually वो 1,500 में मिल जाते हैं, पर दुर्गा पूजा के time में ऐसे ही dynamic rates होते हैं इनके। और dual sleepers के fare थोड़े से कम होते हैं, around 2,500 था, जो usually 1,200 पे हो जाता है। And lastly seater का around 2,000 था, वो भी 1,000 rupees के आसपास मिल जाती है बाकी टाइम पे। पर अगर ट्रेन की टिकट नहीं मिलती है और 600 किलोमीटर के लिए फ्लाइट ज़्यादा एक्सपेंसिव लगती है आपको, तो ये रूट बेस्ट है। गुड मॉर्निंग, अभी बजाय 7:30, वी हैव रीच्ड सिलीगुड़ी।
जर्नी बहुत अच्छी थी, कल रात बहुत अच्छी नींद आई, तो अभी हम उतरने वाले हैं। हम तो सिलीगुड़ी पे उतरे, तो वहाँ से लोग कैब के लिए पूछ रहे थे, पर कैब में हमें जाना नहीं था, तो वैसे हम टोटो ले लेंगे। बेसिकली SNT जा रहे हैं, SNT से आई टेक अ बस टू गैंगटॉक। तेंजिंग नॉर्गे बस स्टैंड है जहाँ से कोलकाता से बसेस सिलीगुड़ी आके रुकती है, और वहाँ से पेलिंग नॉर्थ बंगाल साइड जाने के लिए कैब्स मिल जाएंगे अगर आपको कैब्स में जाना है तो। पर मुझे बस लेनी थी तो मैं SNT बस स्टैंड जा रही थी, सिक्किम नेशनलाइज्ड ट्रांसपोर्ट जहाँ से सिक्किम के बसेस चलती है। ओके, तो SNT बस स्टैंड हम पहुँच गए और यहाँ से हम गैंगटॉक जाने वाले हैं। तो गैंगटॉक यहाँ से कैसे जाता है बस में, और गैंगटॉक में जाके क्या करते हैं, सब आ रहा है नेक्स्ट ब्लॉग में। सो स्टे ट्यून टू माई नेक्स्ट ब्लॉग, एंड आई लैंड इट हियर एंड विल सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड कीप फॉलोइंग योर ड्रीम्स।